हाय, वेलकम बैक टू अनदर फूड ब्लॉग। और इसमें मैं ये करेले धो के नमक के बीच में डाल के रखे थे, उसके बाद धो के साफ करके अच्छे से इनको तलने के लिए डाल दूंगी। करेले को अच्छे से उलट पलट के पकाना है, अच्छे से थोड़ी सी अच्छे से पक जाए, और 90% तक हमें इसको यहीं पर कुक करना है। तो अब अच्छे से तल चुके थे और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब एक पैन में फिर से तेल ले लेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब इसमें हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद मैंने टमाटर बीट करके रखा है वो ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद बस थोड़े से बेसिक मसाले ऐड करने हैं अगर आप खाते हैं तो। हम नवरात्रि में तो नॉर्मल सिंपल ही खाना पसंद करते हैं, सिर्फ हल्दी और मिर्च और सूखा धनिया का पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बारी इन सूखे मसालों को अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। नमक मैंने थोड़ा सा करेले में पहले भी ऐड किया था तो थोड़ा ही डालेंगे नमक, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें बॉयल्ड आलू ऐड करेंगे पहले, उसके बाद करेले डालेंगे जो हमने फ्राई करके ऑलरेडी रख दिए हैं। और ये अब सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है, फिर 5 मिनट लगेंगे और ताकि ये मसाला थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये देखिए आलू और करेले की सब्ज़ी बनके तैयार है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।